मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपलेस स्काई के नई डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको एक 4200 सीरीज का मैंने सिंपलेस का वीडियो अपलोड किया था, उसका वही 4200 सीरीज का है, लेकिन इससे थोड़ा और डेवलपमेंट हुई 280 स्पिंडल का। वो 200 स्पिंडल तक था, ये 280 स्पिंडल का है। और इसमें सबसे खासियत चीज़ है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब आप किस टाइप का मटेरियल लेना है, कितना ड्राफ्ट का, मतलब 3/3, 4/4, फ्लायर साइज कितना साइज लेनी है, अलग अलग टाइप का हिसाब किताब है। और ये जो मशीन है, इतना बहुत बढ़िया ब्रेकेज रेट है, इतना बढ़िया है। मैंने प्रैक्टिकली देखा एक जगह और बहुत बढ़िया लगा मेरे को मशीन, और उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव फीचर्स है या आपकी बेनिफिट्स हैं, देखो ये सब चीज़ें। मैक्सिमम स्पिंडल्स 280 स्पिंडल्स पर फ्रेम, एक फ्रेम में 280 स्पिंडल तक है। अभी तक का इतना स्पिंडल वाला कोई भी मशीन नहीं आया था। सबसे पहले तो हम लोग जब नौकरी शुरुआत किए थे ना, 96 स्पिंडल का, 120 स्पिंडल का और 108 स्पिंडल, 144, उसको आहिस्ता आहिस्ता 160 हुआ, 200, अभी 280 तक आ गया। मतलब एक सिंपलेस जो पहले ज़माने का था, तीन सिंपलेस की बराबर, अभी का जो सिंपलेस पहले का तीन का बराबर हो गया। और इसे देखें, मैक्सिमम 280 स्पिंडल तक है, बोथ फॉर कॉटन एंड मैनमेड फाइबर्स। और ये कॉटन और मैनमेड फाइबर दोनों चला सकते हो। और ये खासियत बता दूँ, पुराना ज़माने में जो सिंपलेस 1400 सीरीज का आता था, उसे सब गियर सिस्टम था, मतलब बॉबिन ड्राइविंग, स्पिंडल ड्राइविंग, सब गियर सिस्टम था। गियर कभी कभी जाम हो जाता था, आग लग जाता था, वो सब डीमेरिट था। अभी ये 4212 स्पिंडल, 4280 वाला जो सिंपलेस है, इसमें सब टाइमर बेल्ट है, स्पिंडल घुमाने के लिए, बॉबिन घुमाने के लिए बेल्ट सिस्टम, सब कोई ये नहीं है। बेल्ट सिस्टम में सबसे बढ़िया रहता है, उसमें आग वगैरह लगने का कोई ये नहीं रहता, मतलब आग का चांस नहीं रहता, ठीक है। ऑटोमेटिक डॉफिंग सिस्टम, अच्छा ये देखो, बोथ फॉर कॉटन एंड मैनमेड फाइबर। आप इसमें कॉटन भी चला सकते हो, मैनमेड भी फाइबर चला सकते हो, PVPC जो भी मैनमेड फाइबर, एक्रेलिक चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऑटोमेटिक डॉफिंग सिस्टम, इसमें देखो, इसमें प्रोडक्टिविटी इसीलिए बढ़ जाता है, इसमें ऑटोमेटिक डॉफिंग सिस्टम है। मतलब आपके डॉप आ गया तो बॉबिन पहले से भर के रखना मैगजीन में, ऊपर जो डॉफिंग बीम रहता है उसमें, वो डॉप आ गया तो बॉबिन का पेटी जो होता है आगे आ जाएगा और खाली बॉबिन नीचे आ जाएगा और भरा हुआ बॉबिन ले लेगा, खाली बॉबिन डाल देगा, विदिन 2-3 मिनट आपकी डफिंग हो जाएगा। नहीं तो 280 स्पिंडल अगर आप डफर लगाते हो ना, डफर लगाते हो, आपको कम से कम 15 मिनट तक लगेगा डफिंग करने के लिए। अगर चार आदमी भी लगाते हो, 15 मिनट लगेगा चालू होने के लिए, और ये विदिन 2-3 मिनट डफिंग हो जाएगा। और इसमें खासियत और है, देखो ऑटोमेटिक डफिंग सिस्टम में, मतलब कम से कम टाइम लगेगा और इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। और सस्पेंडेड टाइप फ्लायर्स, फ्लायर जो होता है पहले ज़माने में ऐसे ऊपर से डालते थे, अभी ऐसा नहीं है, सस्पेंडेड टाइप फ्लायर है, मतलब बॉबिन रेल में जो स्पिंडल जो नीचे रहता है और ऊपर आता है और फ्लायर में लग जाता है, और वो सस्पेंडेड टाइप फ्लायर है। इसमें फ्लायर जाम का कोई संभावना नहीं, नहीं तो पहले फ्लायर जाम हो जाता था, स्पिंडल सफाई करना पड़ता था हर 3-4 महीने में। और सस्पेंडेड टाइप फ्लायर है, सुइटेबल फॉर बॉबिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, BTS, बॉबिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो रिम फ्रेम में आजकल जो लंबी लंबी मशीन आ गया, 1826 स्पिंडल का आ गया, उस पर अपन को ब्याज क्रिलिंग के लिए सिंपलेस से 280 को 280 स्पिंडल, जैसे रिंग में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई ट्रेली नहीं चाहिए, डायरेक्ट BTS सिस्टम से रिम फ्रेम तक चला जाएगा। क्योंकि आजकल जो चीज़ है, मैन पावर का बड़ा इम्पोर्टेंस है, मैन पावर मतलब पर कारीगर का रेट 750 रुपया हो गया। अगर BTS सिस्टम लगाएगा तो वहाँ कारीगर कम हो जाएगा, कारीगर कम हो जाए, आपको इतना भागदौड़ करना नहीं पड़ेगा। वो सब बेनिफिट को देखते हुए
ये सिंप्लेक्स में आप BTS लगा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। और देखो ऑटोमेटिक रोबिंग टेंशन कंट्रोल जो ATC बोलते हैं, ATC सिस्टम रहता है, चार पायलट स्पिंडल का टेंशन सेट करना, कोई भी नया माल ले तो चार स्पिंडल का पहले टेंशन सेट करना, और जो टेंशन सेट करोगे उसमें पूरा बढ़िया सेटिंग हो जाएगा, उसके बाद पूरा माल लगा के चालू करना। और जो पायलट स्पिंडल ध्यान रखना उस साइड पैनल की साइड में रहता है जहाँ डिस्प्ले है उसी साइड पर रहता है, वो चार स्पिंडल हमेशा चलते हुए रहना चाहिए। अगर पायलट स्पिंडल आपकी ब्रेकेज हो गया पूरा साइड कट जाएगा, तो पायलट स्पिंडल का खास करके ध्यान देना, उसको ब्रेकेज ना हो उसको नज़र रखना पड़ता है। और उसका आगे स्पिंडल आप कम चला सकते हो, लेकिन पायलट स्पिंडल आप जिस साइड पर उधर से माल भर के चलानी पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक टेंशन कंट्रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मटेरियल टू मटेरियल भारी करेगा, कोम्ब में अलग आएगा, कार्डन में अलग आएगा, सिंथेटिक में अलग आएगा, तो उसी हिसाब से आपको सेट करोगे तो अपने हिसाब से वैल्यू डालोगे ना, वो अपना बढ़िया चलेगा। परफेक्ट रोबिंग पैकेज विथ गुड क्वालिटी जो ATC होता है, हर स्पिंडल के लिए एक जैसा टेंशन रहेगा, और इसमें पैकेजिंग इतना बढ़िया सेलेड होता है, इतना बढ़िया रहता है विथ सुपर क्वालिटी, और ATC का इसी में फायदा है। और ATC कंट्रोल जिसने कर लिया वो ब्रेकेज बिल्कुल कम आएगा, मतलब 42-80 स्पिंडल में ब्रेकेज मैंने देखा हार्डली 1% से नीचे है, उसे ऊपर ब्रेकेज है नहीं। उसके बाद देखो नीड्स 5% एक्स्ट्रा TM देन कन्वेंशनल LF 1400 सीरीज। जो 1400 सीरीज में जो अपन टू स्टूल चेंज करते हैं, और मतलब ड्राफ्ट गियर चेंज करते हैं, लिफ्टर रैचर चेंज करते हैं, उसमें क्या होता है अपन टिपेज जो देते हैं उसमें कम टिपेज चल जाता है, लेकिन सस्पेंडेड टाइप फ्लायर जहाँ पे भी लेते हो कोई भी कंपनी का लो, आपको 5% एक्स्ट्रा TM देना। एक्स्ट्रा TM देना मतलब 5% एक्स्ट्रा TM दोगी तब जाके उसका वर्किंग बैठेगा, और वो कोई मतलब बढ़िया स्पीड में भी ले लो तो TM ज़्यादा है अपना आप चलता रहेगा और बढ़िया चलेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा TM देना 5%। ड्राफ्ट स्पीड TPM एडजस्टेड बाई डिस्प्ले, ये एक चीज़ देखो, पहले वाला सिंप्लेस में अपन मशीन पुली मोटर पुली चेंज करते थे स्पीड चेंज करने के लिए, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन चेंज करते थे, ड्राफ्ट गियर CP BDCP चेंज करते थे, ये सब ओमिट हो गया। ये ड्राफ्ट कोई चेंज करना जरूरत नहीं, गियर से डिस्प्ले में डाल दो फीड हैंग कितना है और डिलीवरी हैंग कितना है, अपना आप ड्राफ्ट कैलकुलेशन करके आ जाएगा, सर्वो ड्राफ्ट सिस्टम है। और स्पीड भी आप डिस्प्ले से कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। TPM इसमें TPM आता है, TPI नहीं डालते, तो TPM जो डालोगे TPM में 39.37 भाग कर देना, डिवाइड कर देना तो TPI आ जाएगा, उसमें बढ़िया सिस्टम है TPM डाल देने का और तो TPI आ जाएगा। और एडजस्टेड बाय डिस्प्ले के द्वारा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब काउंट चेंज जो होता है विद इन मिनट में हो जाता है, मतलब वहाँ कोई चेंजिंग का कोई लफड़ा ही नहीं रहता, वो एक प्रोडक्टिविटी गेन का एक और एक फायदा है। फॉर बॉबिन स्पीड वेरिएशन नो कोंड्रम इज देयर। अच्छा पहले क्या रहता था, बॉबिन स्पीड को वेरिएबल स्पीड देने के लिए कोंड्रम सिस्टम रहता था, इसमें सब इन्वर्टर ड्राइव है, अलग अलग मोटर है अलग अलग चीज़ घुमाने के लिए, तो इसमें कोई कोंड्रम का भी जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये आपको कभी भी एग्जाम वगैरह क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिए। यू कैन एडजस्ट ड्राफ्ट एंड TPI वेरी माइन्यूटली मतलब समझ लो आपके कभी सिंपलेस में ड्राफ्ट सेट करना पड़ता था, CP या BDCP चेंज करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, समझ लो एग्जाम्पल आपको बता दूँ कि 0.85 का आपके रैपिंग रखा, ठीक है 0.85 का रैपिंग रखा, आपको समझ लो 0.845 करना, इतना करने के लिए आपको CP या BDCP चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें इतना कम चेंज नहीं होगा, 0.85 से आपके डायरेक्ट आ जाएगा 0.83 तक आ जाएगा, या फाइन करना है 0.87 तक आ जाएगा, तो इतना फर्क हो जाएगा, लेकिन ये माइन्यूटली जो फर्क है बड़ा हल्का सा फर्क करनी है, समझ लो 85 की जगह 875 करना है, मतलब 852 करना या 3 करना, ऐसे करना, ऐसे करेगा तो आपको CP BDCP में एडजस्ट नहीं होता, उसमें
यू कैन एडजस्ट ड्राफ्ट एंड टिप इट वेरी माइन्यूटली। अब हल्का सा चेंज करना है तो आप कर सकते हो। वो इसमें और एक प्लस पॉइंट क्या होगा, देखो आपने समझ लो हल्का सा चेंज किया ना, तभी समझ लो आपकी पूरी खाता में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 30 मतलब CW चल रहा है, पूरा खाता 30 CW चल रहा है। आपको 30 CW में समझ लो 30.5 रैपिंग करना है, ठीक है, तो आपका समझ लो 30.7 तक आ रहा है। तो इसमें सारे रिंग पे गियर चेंज करना जरूरत नहीं, सिंपली इसमें हल्का सा आप भारी कर दो तो अपराप सेट हो जाएगा। तो रिंग फ्रेम का एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी भी इसका ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सिंपलेस में हल्का सा आप ड्राफ्ट चेंज कर लो, हो गया। टिप आई भी ऐसा ही है, टिप आई भी बिल्कुल कम से कम जितना जरूरत है उतना डाल दो तो अपना आप आ जाएगा। वो जो टू स्टूड में क्या होता है, तो मतलब टिप आई से मतलब 1.37 चल रहा है, उसे गियर चेंज करेगा तो 1.3 आ जाएगा, या 3.1 आ जाएगा, या 3.2 आ जाएगा, इतना फर्क तो रहेगा ही एक दिन टू स्टूड में। लेकिन उस केस में बिल्कुल कम से कम जो 1.37 है, आप 1.36 भी कर सकते हो इसकी जगह। तो ये थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट चाहिए ना, उसमें आप कर सकते हो, जिसमें अपन पहले वाला सिंपलेस में नहीं कर पाते थे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आप मेरा ये 4200 वाला वीडियो देखना, उसमें मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताया। जैसे अपने सिंपलेस का जो ड्राफ्ट है जो डाले हुए फीड हैंग डिलीवरी हैंग जो मेंटेनेंस का फॉर्मूला होगा, इसको डेली नोट करना पड़ता है। डेली नोट नहीं करेगा समझ लो गलती कर दिया, कोई फीड हैंग चेंज कर दिया, डाल दिया डिस्प्ले में, तो ड्राफ्ट चेंज हो गया तो माल पूरा खराब बन जाता है। मैंने एक मिल में ऐसे देखा है, मतलब कोई आदमी छेड़ दिया ड्राफ्ट, मतलब फीड हैंग या डिलीवरी हैंग कोई छेड़ दिया, ड्राफ्ट चेंज हो गया और बॉबिन पूरा भारी भारी मोटा मोटा रैपिंग का माल निकल गया और रिम फ्रेम में क्रीड हो गया, और 2-3 दिन लगा इसको निकाल निकाल के वेस्ट में डालना पड़ा, क्योंकि वो मटेरियल पूरा खराब हो गया, बिल्कुल ऑफ काउंट बन जाएगा। मतलब जैसे 30 काउंट बना रहे हो, कभी 20 काउंट 22 काउंट ऐसे आ गया। तो इसको डेली वॉच करना और डेली नोट करना, सुबह सुबह मेंटेनेंस का जो फॉर्मैन है या हेडपीटर है, डिस्प्ले का जरूर रजिस्टर में नोट करा के साइन कराएगा प्रोडक्शन वाले का, कोई गड़बड़ मिलेगा तो इसको पकड़ लेगा, हो गया। फेडिंग ऑफ फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम हैंग एंड रोबिंग हैंग एक्चुअल ड्राफ्ट सोज, ये जो चीज़ बताया, फेडिंग आप फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम हैंग और रोबिंग हैंग दोनों डाल दोगे तो आपके एक्चुअल ड्राफ्ट आ जाएगा। इसको कैसे कंट्रोल करना आपको बता दिया था अभी। इफेक्टिव एंड यूनिफॉर्म सेक्शन सिस्टम, इसका जो रोबिंग कटेगा इतना सेक्शन तेज रहता है इसमें, तो इसमें बिल्कुल कोई लपिंग वगैरह नहीं लगता, रोबिंग टूटा तुरंत सेक्शन में जाएगा, और सेक्शन का पीछे वाला सेक्शन में बहुत मोटा डक्ट दिया हुआ तो उसमें बहुत एफिशिएंट सेक्शन है, इसीलिए इसका वर्किंग वगैरह सही रहता है। और डिटैचेबल फ्लायर स्पिंडल टू रिमूव सैंपल और चेंज बोबिन, जैसे आपकी फ्लायर में मतलब जो माल चल रहा है स्पिंडल में आधी डॉप है, समझ लो वो बॉबिन खराब हो गया या कभी रैपिंग के लिए निकालना है, स्ट्रेच के लिए निकालना है, तो आराम से आप क्या करोगे, इसको आराम से निकाल सकते हो, मतलब वो इजीली निकल जाएगा। लेकिन पहले वाला जो दिक्कत था वो इसमें नहीं है, और ओनली ब्रेक ड्राफ्ट क्रिल टेंशन चेंज गियर चेंज। इसमें देखो ड्राफ्ट आपने सर्वो ड्राफ्ट सिस्टम में, TPM आप डिस्प्ले में डाल दिया, स्पीड डिस्प्ले में डाल दिया, आपकी खाली BDCP चेंज कर सकते हो जब आपको जरूरत है, और उसमें खाली गियर चेंज होता है, और क्रील का समझ लो कोम से कार्डेड, कार्डेड से कोम, ऐसे कुछ लिया सिंथेटिक लिया कटन से, उसमें क्रील टेंशन गियर आप दो चीज चेंज कर सकते हो, वो कभी कभार होता है, ठीक है। और इसमें देखो स्पेशल फीचर्स क्या होता है, इसमें 3/3 और 4/4 दोनों चॉइस है, मतलब बॉटम रोल 3 टॉप रोल 3 या 4 बॉटम रोल 4 टॉप रोल दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। और 4/4 जो है आप उसमें देखो दो ऑप्शन है, सेकंड बटम रोल या थर्ड बटम रोल, कहीं पे भी आप क्रेडल लगा सकते हो, क्रेडल जो सिस्टम है सेकंड में भी लग सकता है, आप चाहे थर्ड में भी लगा सकते हो, तो आपके ऑप्शन है, कहीं पे भी ले सकते हो। और फ्लायर साइज देखो कितना 6 इंच और 7 इंच दो प्रकार का है, मतलब छोटा बड़ा बॉबिन लेने के लिए
मतलब बॉबिन का कंटेंट बढ़ाने के लिए 7 इंच का ले सकते हो या 6 इंच का ले। अगर फाइन काउंट चलाते हो तो 6 इंच ले लो, मोटा काउंट चलानी तो 7 इंच ले लो। न्यूमेटिक एंड स्प्रिंग लोडेड टॉप आर्म जो होता है, एयर प्रेशर वाला है, न्यूमेटिक वाला भी है, स्प्रिंग लोडेड है, जो आपकी चॉइस है वो भी ले सकते हो। और स्टेप वाइज स्पीड पैटर्न, इसमें आईडी सिस्टम है, मतलब जैसे रिम फ्रेम में स्टेप वाइज स्पीड भरते ना, इसमें भी आप स्टेप वाइज स्पीड भर सकते हो। मतलब इसमें स्टेप वाइज स्पीड भरने से क्या होता है तो ब्रेकर रेट बिल्कुल कम होता है, बढ़िया रहता है। उसके बाद देखो स्मूथ वर्किंग विथ लो ब्रेक्स पर रेट, ये बताया था आपको। ATC कंट्रोल जो होता है, अगर आपने बढ़िया कंट्रोल कर लिया ब्रेकर, बहुत कम आएगा इसमें, बहुत बढ़िया चलेगा। और स्पीड देखो 1200 से 1300 RPM तक फ्लायर स्पीड चला सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ देखो इसमें, और एक बेनिफिट है, मैंने इधर लिखा नहीं, आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपना ये रहता है, मतलब मैन पावर की बात करते हैं, जैसे अपन 120 पिंडल का दो सिंप्लेक्स चलाता है एक कारीगर, ठीक है, 120 पिंडल का दो सिंप्लेक्स चलाता है एक कारीगर, इसमें 280 का भी दो सिंप्लेक्स चलाता है, तो इसमें मैन पावर का कितना फर्क पड़ गया। वो जो BTS सिस्टम लगेगा इसमें डफर भी कम लगता है, वो खाली डफर खाली देखने के लिए, कोई बॉबिन खराब तो नहीं हुआ, कोई बॉबिन छूट तो नहीं गया, इसको नज़र रखने के लिए चाहिए, तो मैन पावर इसमें तो बहुत कम लगता है। और ये मतलब UKG वाइज, मैन पावर वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज, हर चीज़ में इसमें फ़ायदा ही फायदा है। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप ज़रूर मेरा चैनल में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।